नमस्कार, रफ्तार देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन और आज हम बात करने वाले हैं एसयूवी सेगमेंट की दो गाड़ियों के बारे में, क्योंकि गिरती हुई ऑटो सेल्स में एक एसयूवी सेगमेंट ही है जो अच्छा कर रहा है, लेकिन कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं, उससे एक ऊपर के सेगमेंट की बात करते हैं। और आज हम कंपेयर करते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर को फोर्ड एंडीवर के साथ। फॉर्च्यूनर को लॉन्च हुए थोड़ा सा वक्त जरूर हो चुका है, लेकिन इसके लुक्स अब भी आपको काफी अट्रैक्टिव लगेंगे। फ्रंट में जो लाइट्स हैं वो काफी शार्प स्टाइल उनको दिया गया है और यहाँ पर एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं। स्कल्प्टेड बम्पर है जो कि काफी अग्रेसिव फील इस गाड़ी को देता है। और एंडीवर में जो फेसलिफ्ट के बाद बदलाव किए गए हैं उसकी हम बात करें तो इसमें ये जो फ्रंट ग्रिल आप देख रहे हैं ये नया दिया गया है, जो एडम है वो भी उसमें थोड़ी सी तब्दीलियां की गई हैं। तो ओवरऑल लुक के मामले में काफी डिसेंट है, काफी अट्रैक्टिव एंडीवर भी नजर आती है। अगर इसके टायर की बात करेंगे तो यहाँ पर 18 इंच के व्हील मिलते हैं विद एलॉयज जो काफी बड़े लगते हैं, और साथ ही जो रियर इसका गेट है, टेल गेट है, वो भी इलेक्ट्रिक है। पावर टेल गेट आपको मिलता है जिसको आप एक पुश में कुछ इस तरीके से खोल सकते हैं, ये अपने आप ऑटो ओपन हो जाता है। इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, फॉर्च्यूनर और एंडीवर लगभग बराबर हैं साइज में, हालांकि थोड़ी सी ज्यादा है कुछ मिलीमीटर लंबाई में। 18 इंच के व्हील्स हैं जितने आपको फॉर्च्यूनर में मिलते हैं। पीछे के हिस्से में अगर आप फॉर्च्यूनर के आएंगे तो थोड़ा सा फर्क आपको एंडीवर के मुकाबले जरूर नजर आएगा, क्योंकि अगर इसके बूट स्पेस आपको थर्ड रो के साथ सफिशिएंट है तो ठीक है, लेकिन अगर आप थर्ड रो को फोल्ड करना चाहते हैं तो आपको ये काम मैन्युअली करना पड़ेगा। जहां एंडीवर में आपको बटन मिल जाते हैं, पावर फोल्ड सीट्स मिल जाती हैं, वहीं यहां पर आपको कुछ इस तरीके से मैन्युअली जो फॉर्च्यूनर की बैक सीट्स हैं थर्ड रो की, उनको आपको फोल्ड करना पड़ेगा। यहां पर आपको मिलता है सेंसर जिसको आप कुछ इस तरीके से गेट को खोल सकते हैं, अगर आपके हाथ में कुछ सामान है तो बिना टच किए आप सेंसर की मदद से इसको खोल पाएंगे। यहाँ पर आपको दो बटन मिलते हैं जिसकी मदद से आप इसकी थर्ड रो को फोल्ड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब इसको अगर आपको बंद करना है, अगेन आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है गाड़ी को, आपको यहाँ पर सिर्फ सेंसर के लिए आपको पैर अपना नीचे ले जाना है और ये टेल गेट कुछ इस तरीके से बंद हो जाता है। जब आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो आपको स्पोर्टी फील तो बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि डार्क कलर का इस्तेमाल किया गया है, ब्लैक थीम है इसके इंटीरियर की। अगर हम इसके टच स्क्रीन की बात करें तो ये भी थोड़ा सा आपको निराश करता है। सेफ्टी साइड की अगर हम बात करें तो आपको 7 एयरबैग्स मिल जाते हैं, हिल असिस्ट मिल जाता है, लेकिन सनरूफ फॉर्च्यूनर में नहीं। कुछ तब्दीलियां की गई हैं इस फेसलिफ्ट के अंदर, जैसे कि यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पर दिया गया है, ये बेटर नजर आता है थोड़ा सा फॉर्च्यूनर के मुकाबले। यहाँ पर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है जिससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर सेंसर मिलते हैं और एक और जो एड ऑन फीचर जो फॉर्च्यूनर में नहीं है वो आपको एंडीवर में मिलता है, वो है यहाँ पर आपका इसका इलेक्ट्रिक का बिग साइज पैनोरामिक सनरूफ। जब पीछे की सीट में बैठते हैं तो टोयोटा फॉर्च्यूनर आपको यहाँ पर जरूर इम्प्रेस करती है, क्योंकि इसकी सीट्स एंडीवर के मुकाबले काफी ज्यादा कंफर्टेबल आपको फील होती हैं। इनको आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं अपने बैठने के एंगल के हिसाब से, कंफर्टेबल कुशनिंग है इसकी, आपको अंडर थाई सपोर्ट अच्छा खासा मिल जाता है और हेडरूम की भी यहाँ पर कोई शिकायत आपको नहीं होगी, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर सनरूफ नहीं है तो आपको अच्छा खासा हेडरूम इसमें मिल जाता है। अगर आप कंपेयर करें दोनों गाड़ियों को तो फॉर्च्यूनर थोड़ा सा एज लेती है सेकंड सीट के मामले में, वहां पर कंफर्ट का हाल थोड़ा सा ज्यादा है इस गाड़ी से, लेकिन ये सीट भी काफी कंफर्टेबल है। अब क्योंकि ये 7 सीटर है तो इसकी थर्ड रो में भी देखना जरूरी है कि वहां पर आपको कितना स्पेस मिलता है। फॉर्च्यूनर में एंट्री ज्यादा आसान है क्योंकि यहाँ पर आपको टंबल सीट मैकेनिज्म मिलता है, जहाँ पर आप एक पुश में ही सीट को कुछ इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं और यहाँ से आपको अंदर बैठना इस गाड़ी के अंदर ज्यादा आसान हो जाएगा। अब अगर थर्ड रो की हम बात करें टोयोटा फॉर्च्यूनर की तो यहाँ पर आपको कोई बहुत ज्यादा स्पेस तो नहीं मिलता है, लेकिन एंडीवर के मुकाबले में थोड़ी सी बेहतर ये सीट लगती है, क्योंकि इन सीट्स को भी आप रिक्लाइन कर सकते हैं आगे पीछे। बहुत ज्यादा कंफर्ट आपको फॉर्च्यूनर में भी नहीं मिलता है और यहाँ भी नहीं मिलेगा, हेडरूम के मामले में बिल्कुल नेट टू नेट बात है, बहुत ज्यादा स्पेस आपको नहीं मिलता है, आप बैठ सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा दूरी के लिए नहीं।
लेकिन आप मुकाबले की बात करेंगे इस गाड़ी की और फोर्ड एंडीवर के बीच, तो थोड़ी सी बेहतर जरूर थर्ड रो नजर आती है यहाँ पर टोयोटा फॉर्च्यूनर की। तो थर्ड रो के बाद अब चलते हैं ड्राइव पर और देखते हैं कि ये एंडीवर चलाने में कैसी है और फॉर्च्यूनर के मुकाबले ये कहाँ पर है और 2019 में फॉर्च्यूनर एंडीवर फाइट का क्या हाल है। चलिए तो बात करते हैं एंडीवर की ड्राइव के बारे में। एंडीवर आपको चलाने में कैसी महसूस होगी? तो एंडीवर के अंदर आपको मिलते हैं दो इंजन के ऑप्शंस। एक 3.2 लीटर का डीजल इंजन है जो जनरेट करता है 200 पीएस और 470 एनएम के आसपास का टॉर्क। अगर हम इसकी ड्राइव की बात करें तो इसमें आपको एनवीएच लेवल काफी बेहतर मिलते हैं और साथ ही उसका सस्पेंशन है वो काफी लाइट है, काफी सॉफ्ट है, जिस वजह से आपको थोड़ा सा गाड़ी हिलती डुलती महसूस होगी जब आप झटकों से इसको उतारेंगे या फिर आप शार्प टर्न्स लेंगे तो, और इस वजह से थोड़ा सा बॉडी रोल भी आप महसूस करेंगे। चलाने के मामले में मैं कहूंगा कि आप कंफर्टेबल राइड की बात करें तो एंडीवर ज्यादा आपको कंफर्टेबल लगेगी। चलिए तो बात करते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर की ड्राइव के बारे में। तो फॉर्च्यूनर आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही ऑप्शन में मिल जाती है, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं डीजल इंजन के बारे में जो कि है 2.8 लीटर डीजल इंजन और इसमें आपको मिलते हैं मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के ही ऑप्शन। पावर की हम बात करें तो 177 पीएस की पावर जनरेट करता है और 420 एनएम का पीक टॉर्क फॉर्च्यूनर का ये इंजन जनरेट करता है, लेकिन थोड़ी सी आवाज आपको ज्यादा महसूस होगी फॉर्च्यूनर को चलाते वक्त केबिन के अंदर भी और जब आप इसको एक्सलेट करेंगे उस वक्त भी। जो सस्पेंशन है वो भी थोड़ा सा हार्ड साइड पर है टोयोटा फॉर्च्यूनर का और इसकी वजह से आपको इस गाड़ी के अंदर बॉडी रोल थोड़ा सा कम महसूस होता है एंडीवर के मुकाबले। आपको बेहतर कंट्रोल मिलता है कॉर्नर्स पर और एक स्पोर्टी फील ये गाड़ी आपको देती है। अगर इन दोनों गाड़ियों के मुकाबले की हम बात करें तो क्लोज फाइट है, आपको फॉर्च्यूनर और एंडीवर की जो प्राइस है वो भी काफी क्लोज मिलती है, लेकिन आपको फॉर्च्यूनर में पेट्रोल का भी ऑप्शन मिलता है लेकिन एंडीवर सिर्फ आपको डीजल में ही अवेलेबल है। 2019 में आ गए हैं, टेक्नोलॉजी वाइज थोड़ी सी अपडेटेड लगती है एंडीवर फॉर्च्यूनर के मुकाबले, लेकिन फॉर्च्यूनर की फील अभी भी बरकरार है, सेगमेंट लीडर वो गाड़ी अभी भी बनी हुई है, तो एक टफ कॉम्पिटिशन एंडीवर जरूर फॉर्च्यूनर को देती है। चलिए बात थोड़ी सी लग्जरी ही कर लेते हैं। BMW ने दो फ्लैगशिप व्हीकल्स अपनी लाइनअप में जोड़े हैं, एक है 7 सीरीज और दूसरी है X7 जो कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी व्हीकल है। इन दोनों गाड़ियों पर आज नजर डालते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में आपको क्या मिल रहा है। BMW ने भारत में अपनी सबसे महंगी 7 सीरीज को लॉन्च कर दिया है और साथ ही लॉन्च किया है सबसे बड़ी SUV X7 को भी। दोनों ही कारों में इस बार बड़े साइज की किडनी ग्रिल दी गई है। लुक के मामले में दोनों ही काफी प्रीमियम दिखती हैं। 7 सीरीज को 6 वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है, 730 LD डीजल, 740 LI पेट्रोल, 745 LE प्लग इन हाइब्रिड और M760 LI। वहीं X7 को एक्स ड्राइव M30D डीजल और एक्स ड्राइव 40i पेट्रोल ट्रिम में लॉन्च किया गया है। 7 सीरीज को फेसलिफ्ट मिला है, वहीं X7 नई है। दोनों ही गाड़ियों में सेम 3 लीटर का पेट्रोल और 3 लीटर डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है। अब बात करते हैं प्राइस के बारे में। तो BMW की इस लग्जरी को ओन करने के लिए जो कीमत आपको चुकानी पड़ेगी वो 7 सीरीज के लिए रखी गई है 1,22,00,000 रुपए से शुरू होकर 2,42,00,000 रुपए तक एक्स शोरूम प्राइस है ये, और X7 अगर आप लेना चाहते हैं तो इसकी शोरूम प्राइस रखी गई है 99,00,000 रुपए। अब बात आती है लग्जरी की, तो वहाँ कोई कमी नहीं है। टॉप ग्रेड लेदर अपहोल्स्ट्री है, सॉफ्ट पैडिंग्स हैं। दोनों ही मॉडल्स में BMW का लेटेस्ट 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल मिलता है, जेस्चर कंट्रोल है, एम्बिएंट लाइटिंग, बिल्ट इन परफ्यूम, 4-जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है और खूबसूरत बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ भी है।
X7 BMW की फ्लैगशिप SUV है, लग्जरी के साथ टफ फील भी देती है। स्लिम प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, रियर में स्लिम टेल लाइट दी गई है, साथ ही इलेक्ट्रिक स्प्लिट ओपनिंग टेल गेट दिया गया है। BMW की अकेली 7 सीट वाली SUV भी है, जो 6 सीट कॉन्फ़िगरेशन में भी अवेलेबल है। चलिए तो रफ्तार में एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। ब्रेक के बाद भी ये रफ्तार का सिलसिला जारी है, आप कहीं मत जाइएगा। अब वक्त हो गया है आपको ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई तमाम खबरों का अपडेट देने का, तो चलते हैं न्यूज रैप में और देखते हैं इस हफ्ते की क्या रही बड़ी खबरें। हुंडई थर्ड जनरेशन ग्रैंड i10 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं और लॉन्च से पहले दिल्ली की सड़कों पर हमारी मुलाकात हुई इस नई कार से। वैसे तो कार को अच्छे से कवर किया गया है, लेकिन ध्यान से देखें तो आप अंदाजा लगा सकेंगे कि बाहर से 2019 ग्रैंड i10 में काफी बदलाव किए गए हैं। ग्रिल नई है, एलॉय और हेडलैम्प के डिजाइन में भी काफी चेंज नजर आ रहे हैं। थर्ड जनरेशन i10 में कंपनी मौजूदा इंजन के विकल्प दे सकती है और कीमतें भी पहले से थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं। ग्रैंड i10 को भारत में 20 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा, उससे पहले आप इन तस्वीरों से बदलावों का अंदाजा लगा सकते हैं। अब बात सड़क सुरक्षा की करते हैं। सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त गलती करना अब महंगा पड़ सकता है। नियम तोड़ने पर अब भारी जुर्माने के साथ लाइसेंस कैंसिल करने का भी प्रावधान होगा। लोकसभा ने मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 को मंजूरी दे दी है। इसमें सड़क सुरक्षा को लेकर काफी सख्त प्रावधान रखे गए हैं। नए बिल के मुताबिक अगर नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके माता पिता को दोषी माना जाएगा। अगर नाबालिग ड्राइवर की गाड़ी से किसी की मौत हो जाती है तो माँ पिता को जेल होगी। सामान्य चलान 100 रुपए की जगह अब 500 रुपए होगा। सीट बेल्ट और हेलमेट ना पहनने पर पहले आपको 100 रुपए का जुर्माना देना होता था, जिसे अब बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। इंश्योरेंस ना होने पर 2000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर 5000 रुपए का चालान होगा। ओवर स्पीडिंग की वजह से कई बार लोग हादसों का शिकार हो जाते हैं। अब तेज रफ्तार पर गाड़ी चलाने पर लगने वाले जुर्माने को 500 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया गया है। लाइसेंस रद्द होने के बावजूद अगर किसी को गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो भारी जुर्माना लगेगा। अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग पर 10000 रुपए का जुर्माना होगा। नशे में गाड़ी चलाने पर 10000 रुपए का जुर्माना और अगर आपने एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया तो आप पर 10000 रुपए का जुर्माना लगेगा। ये प्रावधान नया है। इन कड़े प्रावधानों से सरकार को उम्मीद है कि सड़क हादसों में कमी आएगी और लोग पहले से बेहतर नियमों का पालन करेंगे। हर साल सड़क हादसों में 1.5 लाख के करीब लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अब ये बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा और वहां से पास होने के बाद ये बदलाव लागू कर दिए जाएंगे। हुंडई इंडिया 1 अगस्त से अपनी सभी मॉडल्स की कीमतों में 9200 रुपए का इजाफा करने वाले हैं। ये बढ़ोतरी सेफ्टी नॉर्म्स के लिए जरूरी बदलावों की वजह से इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी के चलते की जा रही है। पिछले साल लॉन्च हुई हुंडई की एंट्री लेवल कार सेंट्रो की कीमतों में 25000 रुपए का इजाफा हुआ है, लेकिन सिर्फ बेस वेरिएंट में ही, बाकी वेरिएंट में कोई बदलाव नहीं है। सेंट्रो के बेस ट्रिम डिलाइट और एरा को बंद कर दिया गया है और इसकी जगह नए एरा एग्जीक्यूटिव वेरिएंट को लाया गया है, जिसकी शोरूम कीमत है 4,15,000 रुपए, जो पहले के शुरुआती वेरिएंट डी लाइट से 25,000 रुपए महंगा हो गया है। सेंट्रो डी लाइट की कीमत 3,90,000 रुपए थी। सितंबर 2017 में लॉन्च के सिर्फ 12 महीनों में टाटा ने 1,00,000 नेक्सॉन का प्रोडक्शन पूरा कर लिया है। टाटा नेक्सॉन टाटा की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है और ग्लोबल एनकैप में 5-स्टार रेटिंग हासिल करने वाली कार भी है। नेक्सॉन की हर महीने औसतन 4000 यूनिट की बिक्री होती है। टाटा की कॉम्पैक्ट SUV डीजल और पेट्रोल दोनों में उपलब्ध है।
देखिए मानसून चल रहा है और ये मौसम अक्सर लॉन्ग ड्राइव के लिए काफी पसंद किया जाता है, लेकिन अगर बारिश में आपने अपनी गाड़ी का ठीक से ख्याल नहीं रखा तो थोड़ी सी दिक्कतें आपके सामने आ सकती हैं। तो आज आपको एक्सपर्ट टिप्स दिलाते हैं कि इस मानसून के सीजन में आप अपनी गाड़ी का ख्याल कैसे रखें और साथ ही आपकी ड्राइव कैसे सुरक्षित रहे। बरसात में गाड़ी चलाना इज़ नो बिग ट्रिक, बट नेवर द लेस थोड़े से प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने चाहिए, और ख़ास तौर के जो डीजल इंजन व्हीकल्स हैं उनको तो ज़्यादा ही आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए, स्पेशली जब आप पानी के अंदर घुसते हैं या कहीं ब्लॉकेज होती है पानी की सड़क के ऊपर, एंड देर इज़ एटलीस्ट 8 inches to 1 feet ऑफ वाटर जहाँ पर हो वहाँ पर ख़ास तौर, क्योंकि कंप्रेशन रेशियो इंजन की बहुत ज़्यादा होती है और टॉलरेंस कम है, और ज़रा सा एक कटोरी पानी भी चले जाए एयर क्लीनर के थ्रू तो इट कैन क्रिएट हैवक। ऑन टॉप ऑफ दैट, जिस बरसात के मौसम के अंदर आपको वाइपर्स की रबर वो ज़रूर चेक रखनी चाहिए, वाइपर वॉश सिस्टम को सर्विस करवाना चाहिए, ओल्ड गाड़ी होती है तो उसके अंदर सॉल्ट आ जाते हैं नोजल्स के अंदर और सफ़ा नहीं होते और पानी नहीं निकलता उसमें से जब आपका विंडस्क्रीन गंदी होती है, तो ये कुछ एहतियात हैं जो आपको ज़रूर लेने चाहिए मानसून शुरू होने से पहले। और जो वाइपर वॉश की जो बॉटल है उसके अंदर आप क्लीनर ज़रूर डालिए, और जो क्लीनर नहीं है तो एक कैप डिटर्जेंट की, कोई भी एक लाइट डिटर्जेंट एक कैप उसके अंदर भर के डाल दें, तो दैट ऑल्सो वर्क्स एज अ क्लीनर। टायर्स की कंडीशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, दे शुड नॉट बी बॉल्ड, मिनिमम 3 mm उसकी डेप्थ हो तो इट इज़ सेफ। बाकी जब आप हाई स्पीड पे जा रहे हैं और आपके टायर की कंडीशन सही ना हो तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप स्पीड अपनी कम कर दीजिए, कम टू अ रीजनेबल स्पीड जहाँ पर एक्वा प्लानिंग ना हो सके एंड आप सेफ रहें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप फोर व्हीलर्स के अंदर एहतियात कर सकते हैं, टू व्हीलर्स के लिए भी ऐसे ही है कि उनको भी धीरे धीरे जाना चाहिए, क्योंकि जो स्प्लैश करते हुए जाएंगे तो इट इज़ पॉसिबल कि वो पानी खींच जाएगा कार्बोरेटर के थ्रू और इंजन स्टॉल हो जाएगा। गाड़ी की मेंटेनेंस की बात करें बरसातों के अंदर तो यस डेफिनेटली कुछ थोड़े से एहतियात ले लें बिफोर द मानसून सेट्स इन, और वो सबसे बड़ा एहतियात ये है कि पेंट को बचाने के लिए और थोड़ी उसकी ग्लॉस रखने के लिए उसको रबिंग पॉलिश जरूर करवा लें, और उसके ऊपर एक नाइस गुड कोट ऑफ पॉलिश होना चाहिए जिसके साथ पानी पेंट के ऊपर रुकेगा ही नहीं। और साथ साथ में जो फ्रंट विंडस्क्रीन है उसके ऊपर आजकल फ्लूइड आते हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसको कहते हैं रेनेक्स, वो अप्लाई करेंगे तो आपको वाइपर चलाने की ज़रूरत एट टाइम्स नहीं पड़ेगी बिकॉज पानी उसके साथ रुकता ही नहीं है। चलिए तो अब वक्त है आज के रफ्तार पर थोड़ा सा ब्रेक लगाने का, लेकिन अगले हफ्ते ये रफ्तार का खास शो लेकर आपके लिए फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप इजाजत दीजिए, लेकिन आप सवाल और सुझाव जरूर भेजिए रफ्तार@ndtv.com पर। नमस्कार।